इसे कहते हैं घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। यानी पाकिस्तान में जब तहमंद की बिक्री निचले स्तर पर है और टोपी की सिलाई का धागा आसमान छू रहा है, पाकिस्तान हवा में उड़ाकर वहां शाहीन भेज रहा है, पर इससे हासिल क्या होगा? अगर कोई भिखारी हवा में चार सिक्के उछालकर गधैया नर्तक करे तो लोग उसे समझदार नहीं कहते हैं। लोगों की नजर में तो वह भिखारी ही रहेगा। वैसे भी दुनिया में ऐसे भिखारी कम ही मिलते हैं जो सिक्के उछालकर जश्न का प्रदर्शन करें। जो ऐसा करते हैं उनके सिक्के गुम होने की संभावना ज्यादा रहती है। पर यह पाकिस्तान है, इसके वजीर आजम को बाजवा ने 2 दिन की छुट्टी पर भेजा, जिसका मतलब यह था कि इमरान खान के क्रियाकलापों से वह खुश नहीं है। उन्हें 2 दिनों तक पीटीआई की बैठकों से भी दूर कर दिया गया। इन 2 दिनों में बाजवा ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इसके द्वारा उसने पाकिस्तान को संदेश भी दिया कि सब कुछ फौज के अंडर में है। भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान में शाहीन के परीक्षण की तैयारी भी कर ली गई। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान के शांति वाले नोबेल खान बनने के खटारा ख्वाब को कोठे पर टांग दिया गया। लेकिन इमरान खान की 2 दिनों के लिए सत्ता से दूरी कोई सामान्य घटना नहीं है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि इसके पीछे बाजवा ने बहुत बड़ी पटकथा लिख डाली है, जिसमें पाकिस्तान में पैसा लाने की नई राह भी तलाश ली गई है। खास बात यह है कि इस कवायद से इमरान खान को पूरी तरह दूर रखा गया है। कुछ जानकारों का कहना है कि इमरान लोंडा जानबूझकर इस पचड़े से दूर रहा। दरअसल क्यास लगाए जा रहे हैं कि बाजवा ने ईरान के साथ एक गुप्त परमाणु डील की है, जिसमें पाकिस्तान उसके परमाणु कार्यक्रम में मदद करके मोटी कीमत वसूल रहा है। इन 2 दिनों में दोनों देशों के सैन्य जनरलों के बीच टेलीफोन रब्ता हुआ है। इसी दौरान लंबी बातें भी हुई है। यह सब कई सुनी बातें लग सकती थी, मगर इस संदेह को बल तब मिला जबकि कल बाजवा आनन फानन में ईरान पहुंच गए और अपने समकक्ष सैन्य जनरल से लंबी गुफ्तगू की। मजे की बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान के जनरल की बातचीत का कोई भी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। मुलाकात के उद्देश्य भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में आपसी संबंध कभी इस स्तर के नहीं रहे हैं। खासतौर से दोनों जनरलों का मिलना परमाणु खिचड़ी के पकने की ओर साफ साफ इशारा है। परमाणु सामग्री ले जाने में सक्षम साइन एक का परीक्षण भी इसी सौदे की एक कड़ी है। यह मिसाइल विस्फोटकों को 650 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान ने इस परीक्षण से 2 निशाने एक साथ साधे। एक तो दुनिया का ध्यान ईरान और पाकिस्तान के रायते से हटाया गया, दूसरा पिछले दिनों भारत द्वारा अग्नि 2 के परीक्षण से बराबरी करने का ढोंग भी रचा गया। पर इस मामले में भारत का स्टैंड अब भी समझ से परे है। पाकिस्तान का पड़ोसी होने के नाते भारत को दुनिया को आगाह करना चाहिए कि पाकिस्तान उत्तर कोरिया वाली डील ईरान के साथ भी कर रहा है। संभवतः भारत द्वारा दुनिया को सचेत किया जाना आवश्यक है। अगर भारत सीधे सीधे ईरान का नाम नहीं ले सकता तो पाकिस्तान की घेराबंदी तो कर ही सकता है। अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में लीबिया के साथ भी इस मुल्क ने ऐसे ही सौदे किए थे। यानी पाकिस्तान के तैमंदबाजों की निगाह ऐसे देशों को तलाशती रहती है जो परमाणु संपन्न बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां मित्रता नहीं है, बल्कि सौदेबाजी है। वे ईरान को परमाणु सामग्री और फार्मूले देकर उससे पैसा बटोरने के साथ उसे भारत से दूर करने के षड्यंत्र भी रच रहा है। ऐसे में एशिया के इस हिस्से में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन भारत की खामोशी समझ से परे है। पाकिस्तान यहां भी चालबाजी से काम ले रहा है। वह भारत को कश्मीर मुद्दे पर उलझाकर ईरान की तरफ से उसका ध्यान हटाने के प्रयास में है। इससे पहले गजनवी का परीक्षण, फिर साइन एक का परीक्षण बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इमरान खान की 5 माह के भीतर ईरान की 2 यात्राएं और फिर अचानक से बाजवा का ईरान का दौरा, साथ ही ईरान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा परमाणु खिचड़ी के उबाल तक आने का स्पष्ट संकेत है। पर इस सब के बावजूद अमेरिका को छोड़कर सब खामोश है। इसलिए भारत के क्षेत्रीय नेता होने पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।